SC/ST के विरोध में सवर्ण समाज के लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिर्जापुर में भी सवर्ण समाज के लोगों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिर्जापुर इलाहाबाद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर रास्ते को खुलवाया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी भारत बंद का मामूली असर देखने को मिला, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट में हुए बदलाव को वापस लिए जाने की मांग की। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में भी भारत बंद को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाला और प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार होश में आओ के नारे लगाते हुए SC/ST एक्ट में हुए बदलाव को वापस लेने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम भी SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं बलिया में SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए BJP विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला की गाड़ी का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने BJP विधायक के सामने ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने SC/ST एक्ट में हुए बदलाव को वापस लिए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में खुली हुई दुकानों को भी जबरन बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, BHU के हैदराबाद गेट पर क्षेत्रीय सभा के लोगों ने हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाते हुए कई रेलगाड़ियां रोक दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला भी फूंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए रेलवे ट्रैक खाली करवाया। SC/ST एक्ट को लेकर जालौन में प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने पैदल मार्च निकालते हुए शहर भर में खुली हुई दुकानें भी बंद कराई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शन के चलते प्रमुख चौराहों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। संत कबीर नगर में SC/ST कानून में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन से भड़के सवर्ण समाज के लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठनों के लोगों ने शहर की तमाम दुकानें बंद कराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भारत बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी धारा 144 लागू की। वहीं गाजीपुर में छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर शहर भर में प्रदर्शन किया और छात्रों ने मॉल से लेकर दुकानें बंद कराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने जिले के कई मुख्य मार्गों पर भी जाम लगा दिया, जिसके चलते शहर में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जौनपुर में भारत बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर खड़ी बाइकों को तोड़कर तहस नहस कर दिया और इस दौरान उन्होंने जमकर पथराव भी किया। प्रदर्शन को हिंसा में बढ़ता देख लोगों ने जल्दी जल्दी दुकानें बंद कर दी और वहां से निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।